हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको कंडेंस मिल्क या मिल्क मेड बनाना सिखा रहे हैं। फ्रेंड्स, इसको हम रबड़ी की तरह भी खा सकते हैं और इसे हम खोए की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। बनाने में बहुत ही आसान है और बहुत टेस्टी लगता है खाने में। इसके लिए हमें एक अब भारी कढ़ाई लेनी है। आप कोई सी भी कढ़ाई ले सकते हैं, बस ये याद रखिए कि वह भारी हो थोड़ी। अब इसमें हम 4 कप दूध डालेंगे। दूध आप कोई सा भी ले सकते हैं, पैकेट वाला भी ले सकते हैं और नॉर्मल जो आपके घर में दूध आता हो वो भी आप ले सकते हैं। अब दूध को तेज आंच पर उबलने देना है और 3-4 उबाले आने देने हैं। जब 3-4 उबाले हमारे आ जाएंगे, अब इसमें हम 2.5 कप चीनी डालेंगे। 4 कप हमने दूध लिया है और 2.5 कप चीनी। अगर इसे आप तेज आंच पे बना रहे हैं तो करछी से इसे हिलाते रहें, जिससे कि दूध उबल के गिरे नहीं, क्योंकि तेज आंच पे वह जल्दी गिरने का डर रहता है। या फिर आप कम आंच पे बनाइए और इसे बीच बीच में आके ठीक से हिलाते रहिए। अगर आप तेज आंच पे बना रहे हैं तो 25 से 30 मिनट में हमारा रबड़ी या खोया या फिर मिल्क मेड ये बन के तैयार हो जाता है। और अगर हम कम आंच पे बना रहे हैं तो 1.5 घंटा या 1 घंटा इसको कम आंच पे लग जाता है। फ्रेंड्स, अब देखिए आप, ये हमारा अच्छे से गाढ़ा हो गया और कंडेंस मिल्क जैसे आप मिल्क मेड लाते हैं सेम वैसा बन गया है। अगर आपको लग रहा है कि इसमें मलाई आ रही है तो आप इसे हैंड ब्लेंडर से थोड़ा सा ब्लेंड कर देना है। अब इसमें हम मीठा सोडा डालेंगे 1 चुटकी। ये आपको सबसे आखिर में डालना है। इसको बस डालने के बाद हमें 5 मिनट इसको और अच्छे से मिक्स करना है। बस हमारा कंडेंस मिल्क बन गया है। मीठा सोडा हम एंड में ही डालेंगे, क्योंकि पहले दूध में मिलाने से उसमें कलर ब्राउन होने लगेगा। मिल्क मेड आप जब भी बना रहे हैं तो भारी कढ़ाई या भारी कोई बर्तन में ही बनाएं, जिससे वह नीचे ना लगे। इसे आप बनाकर जब ये अब ठंडा हो जाए इसको आप फ्रिज में रख लीजिए। कम से कम 6 महीने तक ये आपका ख़राब नहीं होगा। आप केक बनाते हैं, बिस्किट्स बनाते हैं, कोई चॉकलेट मूस बनाते हैं, या फिर आप मिल्क मेड से लड्डू बनाते हैं, आप कोई भी चीज़ बनाते हैं तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। कोकोनट लड्डू आप बना सकते हैं। इसमें बस कोकोनट लीजिए ग्रेट करा हुआ और इसमें आप मिक्स कर दीजिए, तो इससे बहुत अच्छे लड्डू बनते हैं, बहुत जल्दी भी बनते हैं। अब आप इस रेसिपी को बनाइए, टेस्ट करिए और बताइए आपको ये कैसी लगी। कमेंट्स में प्लीज़ बताइए आपको कैसा लगा। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। Thank you.